महादेव के लिए दिखाते हैं कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। लोग समझते हैं काम नाम का कोई देवता होता होगा, उसको भस्म कर दिया। अरे देवताओं को भस्म करेगा भगवान कि राक्षसों को भस्म करेगा? ये कामदेव रूपी कामना का भूत मनुष्यों के अंदर होता है। तपस्वी शंकर ने शिव की तपस्या करके उस काम को भस्म किया था। वो काम विकार हम सबके अंदर मौजूद है। जिस काम विकार की मार से बच्चों की पैदाइश होती है, जो सृष्टि चलती है, शुरू होती है, उसकी शुरुआत में भी दुख, पुरुष भी अपने को निस्तेज महसूस करता है, स्त्री को तो और ही ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे की पैदाइश होती है तो भी परेशानी, बच्चा भी रोते रोते पैदा होता है, मां को भी दुख होता है, अपार दुख। और वो संतान जब बड़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, मृत्यु का टाइम आता है अंत समय, तो अंत समय में घावड़े आते हैं, घावड़े आते हैं ना, कितनी कठिनाई होती है शरीर छोड़ने में। तो जिसके आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख, ऐसी भ्रष्ट इंद्रियों की भ्रष्टाचारी सृष्टि को संसार में से नेस्त नाबूद करने के लिए परमात्मा आता है। और देवताओं की श्रेष्ठाचारी सृष्टि की स्थापना करता है।